बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से आगे 24 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट डिफरेंशियल ऑफ एफ क्रॉस जी डैश माइनस एफ डैश क्रॉस जी इज इक्वल टू दिस। साबित करना है कि इसका डिफरेंशियल अगर लिया जाए तो ये आंसर आता है। तो लेफ्ट साइड को हमने ले लिया, एफ क्रॉस जी डैश है जी और माइनस एफ डैश क्रॉस जी है। तो दो रकमें, ये एक ये है और एक ये है। इसका डिफरेंशियल अलग से ले लिया, माइनस ये आ गया, इसका डिफरेंशियल अलग से। अब सारा आगे वही काम है जो पहले हम कई दफा कर चुके हैं, एक और छोड़े एक का डिफरेंशियल ले लें। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एफ का डिफरेंशियल ले लेते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशियल ले लिया, जी डैश को ऐसे ही छोड़ा, प्लस अब जी डैश को ऐसे छोड़ा और एफ को पहले लिखना है हमने, एफ को ऐसे लिखा क्रॉस जी का डिफरेंस, जी डैश का डिफरेंशियल ले लिया, डिफरेंशियल ले लिया जी डैश का। यही काम यहाँ पर भी करें, एफ का डिफरेंशियल ले लें एफ डैश का, इसका डिफरेंशियल ले लिया, जी को ऐसे ही छोड़ा, एक छोड़ा और एक का डिफरेंशियल, फिर प्लस अब एफ को एफ डैश को ऐसे ही छोड़े और डिफरेंशियल ले लें जी का, डिफरेंशियल ले लिया जी का, एक को छोड़ा एक का डिफरेंशियल। तो तीन आपने यही रखनी है, एफ क्रॉस जी है, एफ और जी, एफ और जी, जहां पर एफ डैश जी है, एफ डैश जी, एफ डैश जी, ये बनेगा आपका एफ डैश। फर्स्ट डिफरेंशियल हो चुका है इसका, इसको एफ डैश लिख सकते हैं, क्रॉस जी डैश ये वाला एज इट इज आ गया, प्लस एफ वैक्टर, प्लस इसका एक दफा डिफरेंशियल पहले मौजूद है, एक दफा फिर आ गया तो जी डबल डैश हो गया, इसको लिखा जा सकता है माइनस। अब एफ का डिफरेंशियल लिया हुआ है, इसको लिखेंगे एफ डबल डैश, एक डिफरेंशियल पहले ही है, एक ही आ गया, एफ डबल डैश आ गया क्रॉस जी, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एफ डैश इसी तरह से आ गया और इसका भी डिफरेंशियल ले लिया तो ये हो गया आपका जी डैश। तो अब देखें ये प्लस एफ डैश क्रॉस जी डैश और माइनस एफ डैश क्रॉस जी डैश, ये तो कट गया, बाकी जो आपके पास बचा वो यही है जो आपको चाहिए, एफ क्रॉस जी डबल डैश माइनस एफ डबल डैश, एफ डबल डैश क्रॉस जी, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने इसको साबित करना था। इसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एफ 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 वेक्टर, एफ इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जी, एफ यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो एफ को लिखा जा सकता है ये वाला वेक्टर जी वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, जी वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, एफ यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में, तो फिर एफ को लिखा, एफ यूनिट वेक्टर को लिखा जा सकता है ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये जो टर्म ने पीछे भी इस्तेमाल किया है, तो एफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो स्केलर होती है, लिहाजा इसको जी लिख लिया, ये वैक्टर नहीं रहेगा, अब ये जी हो गया। हमें ये साबित करना है कि एफ का क्रॉस प्रोडक्ट एफ डैश के साथ, यानी इस यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इसके डिफरेंशियल के साथ, वो ये हमें आंसर देता है। तो यूनिट वेक्टर होने से हमें ये रिजल्ट मिला कि वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हमने जी लिख लिया, इस जी को उठा के उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया जी एफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जी, यानी यह हमारे पास जी इज इक्वल टू जी एफ यूनिट वेक्टर, जी इज इक्वल टू जी एफ यूनिट वेक्टर। हमें ये चीज साबित करनी है, और जो चीज हमें साबित करनी है उसमें हमें नजर आ रहा है कि जी डैश मौजूद है, लिहाजा इसको जी डैश भी मौजूद है और एफ डैश भी इसमें मौजूद है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशियल ऑपरेट किया विद रिस्पेक्ट टू जी, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा जी डैश। अब इनमें से एक को छोड़ेंगे, एक का डिफरेंशियल किया, जी को एज इट इज छोड़ा, इसका डिफरेंशियल एफ डैश बन गया, प्लस अब एफ को ऐसे ही छोड़ा और इसका डिफरेंशियल ये आ गया, तो ये दो रिजल्ट फिलहाल हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो चीज हमने साबित करनी है उसमें नजर आ रहा है जी क्रॉस जी डैश, इस जी को इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये रिजल्ट बनता जाएगा, फिर यही काम अब हम करने लगे हैं, इन दोनों का वन और टू का क्रॉस प्रोडक्ट करने लगे हैं ताकि ये रिजल्ट आए, जी क्रॉस जी डैश ये बनेगा हमारा जी क्रॉस जी क्रॉस जी डैश, लेफ्ट साइड को क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया इसको इसके साथ, ये आएगा जी एफ यूनिट वेक्टर और क्रॉस ये सारा जी एफ इसके साथ, जी एफ डैश यूनिट वेक्टर प्लस जी डैश
और एफ यूनियन मैट्रिक्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया हम इसको। लेफ्ट साइड पे इसी तरह से आता गया जी क्रॉस जी डैश। उधर देखें जी जो है ये एक स्केलर वैल्यू है, ये इधर जी और जी, ये जी स्केयर तो लिख सकते हैं इसको, इसको लिखा जा सकता है जी स्केयर। और ये वाला आपका एफ क्रॉस एफ, एफ यूनिट वेक्टर क्रॉस इसका डिफरेंशियल ये बना। अब ये जब इसके साथ अटैच होगा तो ये बन जाएगा जी जी डैश, ये आपके पास आएगा जी 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 डैश, क्योंकि जी जो है ये एक स्केलर वैल्यू है। एफ क्रॉस एफ ये आपके पास बन जाएगा जी एफ, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, ये चीज आ गई। अब इसमें देखें एफ क्रॉस एफ आ गया, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो इक्वल जीरो हो जाता है, ये सारा तो आपके पास बन जाएगा जी जीरो। बाकी बचेगा आपके पास ये जी क्रॉस जी डैश, और हमें नीचे लेके आना है जी जी, ठीक है जी, इसको लिख सकते हैं जी डॉट जी, इसको लिख सकते हैं जी डॉट जी। तो ये आपका एफ क्रॉस एफ यूनिट वेक्टर जी बन गया। अब देखें जो रिजल्ट आपको चाहिए बना दें, आपको चाहिए एफ क्रॉस एफ डैश इधर चाहिए, इसको उठा के उधर ले जी, ये आ गया जी क्रॉस जी डैश डिवाइडेड बाई जी इंटू जी, जी इंटू जी, ये आपका ये आंसर है। जी स्केलर को लिखा जा सकता है जी डॉट जी, क्योंकि जी वेक्टर और जी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो एक स्केलर वैल्यू ही आएगी, तो जी स्केलर उसको लिखा जा सकता है, तो वो हमने ये यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया उसको। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट, आर वेक्टर है 2ti प्लस टी स्केयर जे प्लस टी 3 ओवर 3 के, साबित करें कि डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्केयर इसी को लाता है। हमें इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकालना है इस आर वेक्टर का, इसका सेकंड डिफरेंशियल भी निकालना है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करके साबित करना है वो इसके इक्वल आता है। तो हमने इसको एक दफा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा 2i, टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो गया तो ये 2i आ गया, टी स्केयर का डिफरेंशियल 2t आ गया, टी 3 का 3t स्केयर आ गया, 3 से 3 कट गया, ये बचेगा आपके पास 2i प्लस 2tj, 2i प्लस 2tj, तो टी स्केयर के फर्स्ट डिफरेंशियल आ गया। इसका सेकंड डिफरेंशियल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी टू आर बाई डी टी स्केयर, इसमें टी कोई नहीं है मौजूद तो ये तो 0i आ गया, इसका टी का डिफरेंशियल 1 हो गया तो ये 2j रह गया, टी स्केयर का डिफरेंशियल 2t होगा तो 2tk आ गया। हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका आपको पता है, डिटर्मिनेंट बनाया इनका आई जे के डी आर बाई डी टी के कंपोनेंट्स लिखे 2 2t और टी स्केयर, 2 2t और 2t स्केयर, फिर डी टू आर बाई डी टी स्केयर के लिखे 0 आई कंपोनेंट आई के नीचे, जे कंपोनेंट जे के नीचे और के कंपोनेंट के नीचे। इसको खोल लिया आम तरीके से जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं, खोला है तो ये हमारे पास 2t स्केयर आई माइनस 4tj प्लस 4k आ गया है। आसान से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट, अब हमने इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल ली है और एड के इक्वल इसको साबित करना है। डी आर बाई डी टी हमने निकाला हुआ पहले, वही आया हुआ है 2i प्लस 2tj प्लस t स्केयर के, डी टू आर बाई डी टी स्केयर भी हमने निकाला हुआ पिछले क्वेश्चन में, वही आया था 0i प्लस 2j प्लस 2tk। अब हमें तीसरा डिफरेंशियल भी चाहिए तो इसको तीसरी दफा डिफरेंशिएट कर लेंगे रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका 0 का 0 रहेगा, इसमें भी टी को नहीं है ये भी 0 हो जाएगा, ये टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा, 2k आ गया, तो तीनों हमने निकाल लिए। हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है, इसको हमने यूं लिखा तो इनके कंपोनेंट्स लगा लें आई जे के डी आर बाई डी टी, टू ये वाला 2 2t और टी स्केयर, 2 2t और टी स्केयर, आई जे के यहाँ पर लगाने की हमें जरूरत नहीं क्योंकि ये 3 वेक्टर हमारे पूरे हैं। तो बाकी बचेगा जी आपके पास डी टू आर बाई डी टी स्केयर, ये लगा लें 0 2 2t, 0 2 2t, और इसके थर्ड डिफरेंशियल के 0 0 और 2, ये आई जे के कंपोनेंट्स इनके आ गए। अब इसको खोलें हम तरीके के साथ, 2 into, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये वाला 0 बनता है, माइनस 2t वो ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0, ये हम तरीके से इसको खोल लिया, 2 और 4 ये 8 आ गया, ये वाला 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड पार्ट, अब ये साबित करना है कि आर डॉट डी आर बाई डी टी इसके इक्वल आता है, आर का डॉट प्रोडक्ट करना है डी आर बाई डी टी के साथ, डी आर बाई डी टी हमने ये निकाला हुआ पहले, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे आर का और डी आर बाई डी टी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आर हमारा ये 2t into t, 2 into 2t डॉट प्रोडक्ट इनका, प्लस टी स्केयर इंटू 2t,
टू टी स्क्वायर इंटू टू टी, आई डॉट आई वन है, जे डॉट जे वन है, के डॉट के वन है, टी थ्री ओवर थ्री। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका आपने पिछले चैप्टर में सीखा हुआ है, इंटू टी स्क्वायर, आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ कर लिए। ये बन गया दो दो चार टी प्लस दो टी थ्री, और ये बना हमारे पास वन ओवर थ्री टी फाइव, वन ओवर थ्री टी फाइव। तो इसको कोई नाम दे लेते हैं, नंबर वन का नाम दे लेते हैं इसे। ये हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आया। अभी कह रहा है कि इसको साबित करें, ये इसके इक्वल है, इसमें आर है, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी आई कंपोनेंट का स्केयर दो टी, दो टी का स्केयर चार टी स्केयर, जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जे कंपोनेंट का स्केयर टी टू का स्केयर टी फोर, प्लस के कंपोनेंट का स्केयर, इसका स्केयर करेंगे तो टी सिक्स ओवर नाइन, टी सिक्स ओवर नाइन, और उसका अंडर रूट। ये हमने निकाली इसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर वैल्यू होती है, इसको लिख सकते हैं सिर्फ आर, स्केलर बन गई है। तो ये आपके पास आया है जी फोर, इसको स्केयर भी करें साथ ही, स्केलर भी बने ताकि ये अंडर रूट से निकला है। तो फोर टी स्केयर, उधर स्केयर करेंगे तो जरा से बाहर आ जाएगी, प्लस टी फोर प्लस टी सिक्स डिवाइड बाई नाइन, ये वाला जो है ये टी सिक्स है डिवाइड बाई नाइन। तो आर स्केयर हमारा ये आ गया फोर टी स्केयर प्लस टी फोर प्लस टी सिक्स डिवाइड बाई नाइन। अब हमने क्या करना है, आर और डी आर बाई डी टी को मल्टीप्लाई करना है और साबित करना है कि ये आंसर हमारा आता है। अब देखो हमें क्या चाहिए, और आर तो हमारे पास ही आ चुका है, आर हम ये निकाल चुके हैं, तो डी आर बाई डी टी वो भी हमें निकालना पड़ेगा। अब इस आर का हमने डिफरेंशियल करना है, इस आर का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट कर लें इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको इसकी वैल्यू डी आर बाई डी टी की भी मिल जाएगी। पावर फार्मूला लगाएं तो आ जाएगा टू आर डी आर बाई डी टी इसका डिफरेंशियल, फिर इसका आ जाएगा टी स्क्वायर का टू टी, तो वो टू टी और फोर एट टी बन गया, प्लस इसका आ गया फोर टी थ्री, टी सिक्स का डिफरेंशियल सिक्सटी फाइव, और नीचे ये नाइन एज इट इज मौजूद है, ये बना। तो ये आपको मिलेगा जी एट टी, ये वाला एट टी प्लस फोर टी थ्री प्लस, ये कट सकते हैं तीन दो बार छः और तीन तीन बार नौ, टू ओवर थ्री टी फाइव, टू ओवर थ्री, टू ओवर थ्री टी फाइव। ये हमने निकाल लिया है, इसको डिफरेंशियल किया है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वल है। अब देखें दो इधर से कॉमन आ सकता है, दो से डिवाइड कर लें, आर डी आर बाई डी टी इधर रह जाएगा, ये दो उधर चला गया कह लेंगे, इधर इसके नीचे भी गया है तो ये बन गया है फोर टी, इसके नीचे दो गया है तो ये बन जाएगा टू टी थ्री प्लस टू टी थ्री, इसके नीचे वो थ्री टू इसके नीचे भी आएगा तो टू टू कट जाएगा, वन ओवर थ्री टी फाइव आपके पास बच जाएगा, इसको नंबर टू का नाम दे लें। अब ये नंबर वन और नंबर टू देखें सेम है, फोर टी प्लस टू टी थ्री प्लस वन ओवर थ्री टी फाइव। तो हमने साबित किया कि वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए उसके डिफरेंशियल के साथ वो इक्वल आता है आर इंटू डी आर बाई डी टी के, यही हमने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 26, एफ इज ए वेक्टर फंक्शन, एफ अगर कोई वेक्टर फंक्शन है तो साबित करें कि इसका डिफरेंशियल एफ ओफ ओवर इसकी मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंशियल है वो इसके इक्वल आता है, ये हमें साबित करना है। तो इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इसका डिफरेंशियल ले लें, तो इसको लगाएंगे हम कोशेंट फार्मूला, कोशेंट फार्मूला में आपको पता है जो दो एक रकम ऊपर हो एक नीचे हो तो उसका डिफरेंशियल करना हो तो नीचे वाली का स्केयर करते हैं, नीचे वाली रकम एज इट इज और ऊपर वाली का डिफरेंशियल लिखते हैं, माइनस ऊपर वाली एज इट इज और नीचे वाली का डिफरेंशियल लिखते हैं, इस सेकंड ईयर में आपने पढ़ा हुआ। इसको हम इसी तरह से करेंगे, ये नीचे वाली का स्केयर आ गया, नीचे वाली का स्केयर नीचे वाली एज इट इज, ये एट इज इट इज और इसका डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाली ऑफ एज इट इज, ऊपर वाली एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ इसका, ये चीज बन गई। तो इसको डिवाइड कर दे, हमें ये लेके आना है एफ डॉट एफ और थ्री डिवाइड बाई टू, वन ओवर टू डिवाइड हो रहा है टू से, तो इसको करें जी डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, हमारा काम बन जाएगा डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई एफ मार्ट से, इसको अगर कर दे तो हमारा ये सारे का सारा आ जाएगा।
तो इसको जब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका एफ डॉट एफ, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये वाला एफ डैश जो है आपका इसी तरह से सात आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका बन जाएगा ये वाला एफ एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी एफ, और ये एज इट इज आ गया ऊपर और नीचे, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे भी जब इसको करेंगे तो ये एफ मॉड है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एफ मॉड पावर थ्री बन जाएगा, ये बना। अब इसका नाम रख लें नंबर वन और नंबर टू, नाम वगैरह रखने की कोई नहीं है जरूरत, ऐसे हमारा काम चल जाएगा, ये एज इट इज आ गया एफ डैश माइनस ये वाला एफ, और इसको लिख सकते हैं एफ ये वाला एफ एज इट इज, और इन दोनों को लिखा जा सकता है एफ डॉट एफ डैश। दरअसल हमारे पास ये जो होता है ना एफ मॉड और एफ डैश मॉड, ये वाला वेक्टर और साथ उसके डिफरेंशियल की मैग्नीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है एफ डॉट एफ डैश, ये आप कोई भी वेक्टर लेकर इसको चेक कर सकते हैं। अब जब इसका मॉड खत्म करेंगे, एफ मॉड है ये, इसको लिख सकते हो एफ डॉट एफ पावर वन ओवर टू, इसको ये लिख लिए एफ डॉट एफ पावर वन ओवर टू, और ऊपर उसकी ये पावर थ्री ओवर टू भी है तो वो भी थ्री यहाँ पर लगा ले थ्री ओवर टू, इस सारे को आप ये लिख सकते हैं। अब ये आपके पास बना, इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एफ एफ डॉट एफ, और ये वाला एफ डैश एज इट इज आ गया माइनस ये वाला एफ, और एफ डॉट एफ डैश या नीचे आपके पास एफ डॉट एफ पावर थ्री ओवर टू मौजूद है। देखें यही नहीं लेके आना था, एफ डैश ये आ गया आपके पास, एफ डॉट एफ ये आ गया माइनस एफ एफ डैश डॉट एफ डैश एफ एंड एफ डैश डिवाइडेड बाई दिस, ये सारे का सारा वही है जो हमने साबित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे।